हाँ या ना में हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ बोलेंगे तब तुम्हारे भीतर जाएगा। कहते हैं कि कारक कठिन कंठ नहीं आवे, प्रत्यय बहुत कठिन है, तद्धित तुहा प्राण ले ले। तद्धित तो बाद में प्राण ले ली, तू कही के वही ना प्राण ले ले है। अब मुझे लगता है कि संस्कृत जगत में आप जब कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मास्टर होने के बाद भी, जैसे LIC वाले कहते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो परीक्षा के पहले भी और परीक्षा के बाद भी जब आप एज ए टीचर होंगे। किसी ने कहा कि सर समास बड़ा कठिन लगता है, तो यार दो चार सवाल आएगा, मान लो समास का कुछ सही होगा कुछ गलत हो जाएगा, पर समास पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये संधि और ये समास मास्टर बनने के बाद भी तुम्हारा मांस खाएंगे। ये समास मतलब मास्टर बनबो तबो तो लड़का के पढ़ाई पड़े क्यों भैया, तो हमें पढ़ना ही चाहिए। और अभी पढ़े रहेंगे तो सारी जिंदगी फिर समास बदलता नहीं। देखिए अपने अपने संस्कृत की कितनी अच्छी बातें हैं। आप इससे सहमत है कि एक बार पढ़ लें तो सारी जिंदगी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। जियो वाले का रिचार्ज करावे तो कहते हैं कि 28 दिन बाद फिर पैसा दे। बोलो हाँ या ना। कोई से भी सिम आप रिचार्ज कराते हैं 3 महीना 6 महीना, हमारे यहाँ कभी कोर्स लिए होंगे तो भी 3 महीना 6 महीना साल भर नहीं, पर पढ़ाई आपकी जो आप एक बार पढ़ लेंगे वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना में हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ बोलेंगे तब तुम्हारे भीतर जाएगा। लोग कहते ना कि यार सकारात्मक होने, सकारात्मक का मतलब क्या है? हाँ, जब कोई ऐसा कोई उत्तर आए जिसमें ना कहना पड़े इसका मतलब हमारे अंदर निगेटिविटी जाती है। इसलिए हर बार सवाल ऐसा पूछना चाहिए कि छात्र भी क्या बोले, हाँ। तो जब भी आप मास्टर बनेंगे तो आप अपने लड़कों से क्या बोलेंगे, ऐसा प्रश्न पूछे कि वो क्या बोले, हाँ। कोशिश करिए कि उसके मुंह से ना निकले। बहुत सारी चीज़ों में ना बोलना पड़ता है, पर कोशिश ये करिए कि हाँ बोलना पड़े। जब भी हम कुछ पूछे कि संधि पढ़नी पड़ेगी तो आप क्या बोलोगे, जोर से बोलो, समाज पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा देखिए, जब आप कहते हैं ना समाज पढ़ना पड़ेगा, हाँ तो आधी पढ़ाई तो महीने हो गई। मान लीजिए हम ये कहेंगे संधि बहुत कठिन है बेटा, समझ नहीं आएगा, कारक ये तो कहते हैं कि कारक कठिन कंठ नहीं आवे, प्रत्यय बहुत कठिन है, तद्धित वहाँ प्राण ले ले। तद्धित तो बाद में प्राण ले ली, तू कही के वही ना प्राण ले ले है। बोलो हाँ या ना। इस बार अच्छा बोले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख से जब हम लोग सुबह सुबह आएंगे तो हम बिहार को ध्यान में रख करके, BPSC के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के, वैसे हम लोग पढ़ेंगे तो TGT का पाठ्यक्रम और LT को फोकस रखते हुए परीक्षा की तिथि आ जाएगी। यदि परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई तो हम लोग इस 1.5 घंटे की क्लास को 2 घंटे 3 घंटे भी बढ़ाएंगे, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बोलो बिल्कुल सही बोले। अब मान लो परीक्षा की तिथि नहीं आई तो हम लोग 6 महीना आराम से पढ़ेंगे। बोलो हाँ बिल्कुल सही पकड़े।